है बिहार राज्य फूड कारपोरेशन से जुड़ा हुआ। ये सरकार का स्कीम है, गरीबों को 2 या 3 रुपए में जो अनाज दी जाती है, चावल गेहूं वगैरह, उससे जुड़ा हुआ मामला है। ये बिहार के कई जिलों में, नालंदा, गया, बेगूसराय, दरभंगा, बक्सर और अभी अभी सिवान के जिलाधिकारी का ये पत्र हमारे हाथ में है, जिन्होंने 29 नवंबर 2018 को ये लिखा है कि जो अनाज गरीबों को बांटने के लिए दिए गए हैं वह अनाज गरीबों को देने के लायक नहीं है, मानव के खाने के लायक नहीं है। मैं इस राज्य के मुखिया नीतीश जी से मांग करता हूं कि आपके शासन में, सुशासन में बिहार के गरीबों का निवाला छीनने वाले जो उस विभाग के सचिव हैं और एमडी भी वही हैं, मैंने पीआईएल फाइल किया था पटना हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने, चूंकि आपने संज्ञान लिया था, इस आधार पर कोर्ट को बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद संज्ञान ले चुके हैं इस मामले को। इस पर कोर्ट ने उस जनहित याचिका को डिस्पोजल किया था, लेकिन लिबर्टी दी थी मुझे। और इतने समय बीतने के बाद मैंने जितना कंप्लेन किया था, सभी कंप्लेन जो है वो सचिव फूड कारपोरेशन के पास ही भेज दिए गए, एमडी के पास भेज दिए गए। जिनके विभाग में ये घोटाले हो रहे थे, जिनसे जुड़े थे, उन्हीं को जांच का जिम्मा दिया गया इस राज्य में। मुख्य सचिव के यहाँ से भी जो मुझे पत्र आया, वहां से भी चिट्ठी उन्हीं के यहाँ भेज दी गई। और यह बहुत ही दुखद बात है कि सुशासन में राज्य के गरीबों का निवाला छीना जा रहा है। मैं 7 दिनों का मौका देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि